हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी हॉरर स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ज़रिए मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और आप सभी से आज मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगले कुछ टाइम तक, क्योंकि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं तो वीडियोस काफ़ी कम आएंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप में से जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं सुनी हैं तो आप उन्हें सुन लीजिए, जिससे कि मेरा चैनल रियल टाइम में सस्टेन होता रहे उस टाइम पर जब मैं वीडियोस कम पोस्ट करूँगा। अगर आप ऐसा करते हो तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। मेरा नाम मनीष है और ये घटना मेरे साथ साल 2010 की सर्दियों में हुई थी। उस समय पर मैं पुणे में रहता था। हमारा घर एक मिलिट्री कॉलेज ग्राउंड के पास में था। हमारे जो लैंडलॉर्ड थे उनकी फैमिली ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी और फर्स्ट फ्लोर हमने रेंट पे ले रखा था। अब क्योंकि मैं उन्हीं के घर में पिछले 4 साल से रह रहा था तो अब हम सब एकदम फैमिलीज की तरह ही रहते थे। मेरी हाल फिलहाल में ही शादी हुई थी और मैं अपनी वाइफ के साथ उस जगह पर सेटल हो रहा था। मैं उस टाइम पर दरअसल नाइट शिफ्ट करता था, जो कि शाम को 5:30 बजे से रात के 2:30 बजे तक होती थी। पर क्योंकि मेरे मकान मालिक वहीं पर रहते थे तो इस वजह से मुझे अपनी वाइफ की फिक्र नहीं होती थी। दरअसल पिछले 4 सालों से मैं नाइट शिफ्ट कर रहा था, बट कभी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मुझे डर लगा हो या फिर ऐसा कुछ। हर रोज़ मेरी कैब मुझे रोड पर आकर छोड़ जाती थी। मुझे रोड पर उतरने के बाद लगभग 500 मीटर पैदल चलना पड़ता था। जब तक मैं घर पहुँचता था तब तक 4 बज जाते थे लगभग। अब क्योंकि ये मेरा रेगुलर रूटीन था तो इसी बीच मैंने कई बार एक अंकल और उनके पेट डॉग को रात के समय घूमते हुए देखा था। वो अंकल थोड़े बूढ़े से थे। एक दो बार मेरी उनसे बात हुई तो मुझे पता लगा कि उनका नाम हरिंदर देव है और वो एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हैं जो कि कैंप के दूसरे साइड में रहते थे। एक दिन ऐसे ही जब मैं रात में अपनी कैब से उतरा, उस समय पर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और मैं अपने घर जल्दी से जाना चाहता था, और उसी समय मैंने मिस्टर देव को दूसरी साइड से अपनी तरफ आते हुए देखा। अब क्योंकि मैं कई बार उनसे बात कर चुका था तो मैंने उन्हें हेलो कहा और उसके बाद मैं अपने घर की ओर आगे बढ़ गया। घर पहुँच के मैं अपनी एक्स्ट्रा कीज से घर का दरवाज़ा खोलने ही वाला था और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि लिविंग रूम की लाइट जल रही थी, इसीलिए मैंने वहाँ का दरवाज़ा खोला और तब मैंने देखा कि मेरी वाइफ विंडो के पास खड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो बिल्कुल पसीने से तर थी। वो भागकर मेरे पास आई और एकदम से रोने लगी। मैंने जैसे तैसे करके एकदम हैरानी के साथ उसे चुप कराया और थोड़ी देर बाद उसने मुझे बताया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। उसने बताया कि कई बार जब उसे रात में अकेला फील होता था उस समय पर वो उठ जाती थी और लिविंग रूम में आकर टीवी देखने लगती थी, या फिर कई बार वो आकर विंडो के पास खड़ी हो जाती थी और ऐसे ही बाहर देखने लगती थी। तो उसने बताया कि कई बार वो एक आदमी को देखती थी जो कि अपने पेट डॉग को डेली वहाँ पर लाता था घुमाने के लिए, पर अजीब बात ये थी कि वो कभी भी ये नहीं देख पाती थी कि वो कहाँ से आता था। पर उसने 2-3 बार एक अजीब चीज़ देखी थी। जब वो मोड़ पर आगे जाकर मुड़ जाता था तो आगे ही वहाँ पर थोड़ा एक मंदिर था और वो देखती थी कि उस मंदिर के पास पहुँचने से पहले पहले ही वो हवा में ही कहीं गायब हो जाता था। पर उसे इस बात पर यकीन नहीं था। वो सोचती थी कि क्योंकि वो जगह काफ़ी दूर थी जो वो देख रही थी, तो हो सकता है कि लाइट की कोई ट्रिक होए और उसकी आँखों को धोखा हो रहा हो। इस वजह से उसने इस बात को इग्नोर कर दिया था। पर आज उसने उस आदमी को मेरे से बात करते हुए देखा और उसके बाद जो मेरी वाइफ ने बताया उसे सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि जब मैंने उन्हें
उसने बताया कि जब मैंने उनसे बात करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ा तब वो आदमी पीछे रुककर मेरी ओर ही घूर जा रहा था, इस तरीके से कि मानो वो मुझे देख रहा है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ हुई, उस आदमी ने एकदम से मेरी वाइफ की तरफ देखा और उसके बाद उसकी मानो वो आंखों में ही देख रहा था और देखते देखते ही कहीं गायब हो गया। जब मेरी वाइफ ने मुझे ये सब बताया तो मेरी भी हालत इस सब को जानकर ख़राब हो गई थी, ये सोचकर कि मैं काफ़ी टाइम से उनसे बात कर रहा था, वो भी एक बार नहीं कई बार। मेरी वाइफ को अगले दिन फीवर हो गया काफ़ी तेज़ और उसके बाद मैं भी अगले कुछ दिनों तक काम पर नहीं गया। मैंने मिस्टर देव के बारे में कुछ पता करने की कोशिश करी पर मुझे ये बात पता लगी कि कैंप के दूसरे साइड वाले जो घर थे वो काफ़ी समय से खाली पड़े हुए थे और कोई भी मिस्टर देव नाम के किसी को भी नहीं जानता था। इसके बाद से ही मैंने अपने कैब ड्राइवर को काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि वो मुझे थोड़ा आगे छोड़ दिया करे गली के अंदर आकर, उसे वहाँ से गाड़ी मोड़ने में प्रॉब्लम होती थी इसीलिए वो वहाँ पर नहीं आता था लगा। और मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद वो वहाँ तक आने। दूसरी अच्छी बात ये हुई कि उस दिन के बाद से कभी भी मैंने मिस्टर देव को दोबारा नहीं देखा। मेरी वाइफ और मेरे साथ इस घर में रहते हुए कुछ अजीब चीज़ें और भी हुई हैं जिनके बारे में मैं आपको आने वाले वक्त में ज़रूर बताऊंगा। राहुल और करीना कार से खजुराहो जा रहे थे। करीना के पति राहुल की रेलवे में नौकरी थी और उसका ट्रांसफ़र मध्य प्रदेश के खजुराहो के छोटे से स्टेशन पर हुआ था। राहुल और करीना खजुराहो के लिए कार से चल दिए। शहर से बाहर आए तो करीना को लगा जैसे पिछली सीट पर कोई है। उसने रेलवे मिरर में देखा कि पिछली सीट पर एक काली सी परछाई बैठी है। करीना ने पलट कर देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था। उसको बहुत हैरानी हुई। उसने फिर से मिरर में देखा पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। करीना को लगा कि उसे शायद वहम हुआ होगा। वो उदास थी। कार सड़क पर आगे बढ़ रही थी और करीना धीरे धीरे अपनी यादों में एक साल पीछे चली गई। भैया परसों राखी है, इस बार मुझे सैमसंग का फ़ोन चाहिए, करीना ने कहा। शक्ल देखिए अपनी, सैमसंग का फ़ोन बहुत महंगा आता है, उसे चलाने के लिए यहाँ पर कुछ होना भी चाहिए, नितिन ने करीना के माथे पर एक उंगली रखते हुए उसे चिढ़ाते हुए कहा। भैया तुम्हें क्या लगता है ये खाली है, करीना ने बोहे चढ़ाई। मैंने कब का खाली है, पूरा भरा हुआ है पर भूसे से, कहकर नितिन वहाँ से भाग गया क्योंकि करीना ने तकिया उठा लिया था और वह नितिन को मारने के लिए दौड़ पड़ी थी। करीना की आंखों से लंबे लंबे आंसू बह निकले। तभी उसे अपने सर पर किसी का हाथ महसूस हुआ जैसे कोई उसे संतावना दे रहा हो, पर राहुल तो सामने देखकर कार चला रहा था। थोड़ी देर बाद जैसे ही राहुल ने कार मोड़ी, करीना को फिर से पिछली सीट पर काली सी परछाई नजर आई। उसने थोड़ी देर रुककर पलट कर देखा पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब करीना को डर लगने लगा था, उसे विश्वास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। करीना को ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से उसे देख रहा है, वो कभी मिरर में देखती तो कभी पीछे घूमकर देखती। उसे कोई दिखाई नहीं दिया लेकिन उसे एहसास था कि गाड़ी में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी है। तभी राहुल ने कार को एक ढाबे के सामने रोका। बहुत नींद आ रही यार, एक कप चाय पीते हैं, राहुल ने बोला। करीना बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरकर ढाबे में एक कुर्सी पर बैठ गई और वो कहीं और ही खो गई थी। वेटर ने दो चाय के कप और पकौड़े लाकर रख दिए। राहुल ने करीना का हाथ पकड़कर कहा, करीना कब तक ऐसे चलेगा, तुम्हें सब भूलकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, हम नई जगह जा रहे हैं, मैं भी काम में बिज़ी हो जाऊँगा, तुम पिछला सब भूलकर नए लोगों के साथ मिलो जुलो और अपना ध्यान पिछली बातों से हटा लो। करीना ने बिना कुछ कहे सर हिलाया और उसका ध्यान अभी कार की पिछली सीट पर ही था। शाम होने वाली थी और उनका सफ़र दोबारा शुरू हो गया था, साथ ही शुरू हो गया था करीना की यादों का सफ़र। करीना ने नितिन को राखी बांधी। भैया लाओ मेरा फ़ोन, करीना ने हाथ आगे बढ़ाया। सॉरी इस बार मैं मोबाइल नहीं ला पाया,
नितिन ने अपना एक कान पकड़ते हुए कहा, पर अगले साल पक्का आईफोन ला दूंगा। रहने दो भैया, आईफोन ला दोगे? सैमसंग का फ़ोन तो दिया नहीं जा रहा, आईफोन लाएंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। करीना रूट कर जाने लगी। अच्छा सुन, मैंने तेरे लिए कुछ ख़रीदा है, ये तो देख ले। मुझे नहीं देखना। अरे बहन देख तो ले। नहीं, करीना ने अपनी आँखें जोर से बंद कर ली। अच्छा फिर से तू ही रख ले। नितिन ने अपने हाथ में पकड़ा गिफ्ट पैक उसे पकड़ा दिया और करीना ने गिफ्ट पैक खोला तो उसमें लेटेस्ट मॉडल का आईफोन था। भैया, उसकी आंखें खुशी से फट रही थी। ये तो बहुत कीमती है, इतना पैसा क्यों खर्च किया? अभी आपकी नई नई बैंक में नौकरी लगी है, मैं तो ऐसे ही आपको तंग कर रही थी। मुझे नहीं चाहिए, इसे वापस करके आ जाओ। मेरी बहन के आगे इसकी कीमत कुछ भी नहीं है, तेरे लिए तो मैं चांद भी ला सकता हूँ। नितिन ने करीना के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, भैया इतने पैसे कहाँ से आए? आपने अपनी शादी के लिए जो पैसे जोड़े थे उसमें तो खर्च नहीं कर दिए ना, करीना ने घूरते हुए कहा। सपना ने कहा कि उसे अभी 2 साल शादी नहीं करनी है, तो मैंने सोचा इन पैसों का इस्तेमाल मैं ही कर लूँ, अगले 2 साल में और पैसे आ जाएंगे। करीना की आंखों में दोबारा आंसू बह निकले। तभी गाड़ी रुक गई और वो खजुराहो पहुँच गई थी। अगले 3-4 दिन उन्हें अपना सामान व्यवस्थित करने में लग गया। आज रात से मेरी ड्यूटी है, सुबह 6 बजे वापस आऊँगा, नितिन ने कहा। करीना ने बिना कुछ कहे सहमति में सर हिला दिया। अब वो बहुत कम बोलती थी, हमेशा अपनी यादों में ही खोई रहती थी। इसी बात से ही परेशान होकर राहुल ने ट्रांसफ़र लिया था। उसे उम्मीद थी कि जगह बदलने से वो पुरानी बातें भूल जाएगी। रात के 12 बजे थे, राहुल अपनी ड्यूटी पर चला गया था और करीना को नींद नहीं आ रही थी। बैठे बैठे वो फिर से अपनी यादों में चली गई और तभी एकदम से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई। रात के सन्नाटे में ऐसा लगा मानो कोई धमाका हो गया हो। करीना घबरा कर उठ गई और उसने अंधेरे में सुनने का प्रयास किया, पर केवल घड़ी की टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो हिम्मत करके पलंग से उतरी और तभी उसे ड्रेसिंग में एक काली परछाई दिखाई दी। वो बुरी तरह घबरा गई और उसने देखा कि ड्रेसिंग के सामने कोई था, और उसने अब देखा कि ड्रेसिंग के सामने अब कोई भी नहीं था। बाहर कहीं से किसी उल्लू की आवाज़ आ रही थी। करीना बुरी तरह घबरा गई और वो पलंग पर बैठ गई। उसकी सांसें बहुत तेज़ हो गई थी। अचानक से इंजन ने हॉर्न दिया और करीना की डर से चीख निकल गई। तभी धीरे धीरे आवाज़ के साथ कोई ट्रेन स्टेशन पर आ गई। सन्नाटे में ट्रेन की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि करीना को लगा कि जैसे कि वो पटरियों पर लेटी है और ट्रेन उसके ऊपर से निकल गई हो। उसने फिर से ड्रेसिंग में देखा, अब वहाँ कोई नहीं था। करीना ने मुंह पर चादर डाल ली और भगवान का नाम लेने लगी। कब रोते रोते वो सो गई उसे पता ही नहीं चला। कई दिन बीत गए और अब करीना को विश्वास हो गया था कि कोई है जो कि उनके साथ ही है, जो उनके साथ ही कर रहा है। उसे अक्सर वो काली परछाई दिखाई देती थी उसे हमेशा घर में किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस होती थी, पर उस काली परछाई ने कभी भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी थी। करीना ने राहुल को भी उस परछाई के बारे में बताया, बट उसे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। देखो करीना, मैं क्या लाया हूँ, राहुल ने आवाज़ दी। राहुल जानता था करीना को पेंटिंग का बहुत शौक है। राहुल उसके लिए पेंटिंग का सामान लाया था। अब तुम 2-4 सुंदर सी पेंटिंग बनाओ, व्यस्त रहोगी तो सारे फालतू ख्याल तुम्हारे मन से निकल जाएंगे। अब तुम नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करो और पुरानी बातों को भूल जाओ। अगले दिन करीना ने पेंटिंग बनानी शुरू करी। एक काली परछाई उसे पेंटिंग बनाते हुए देख रही थी। उसने कैनवस पर ब्रश चलाने के लिए उठाया और उसके मन में तो पुरानी यादें ही चल रही थी, और फिर वो फिर से कुछ दिन पीछे चली गई। शादी के बाद
राहुल के घर में ये करीना का पहला बर्थडे था। करीना ने पिंक गाउन पहना था और वो गाउन नितिन ने ही उसे राखी पर गिफ्ट करा था। पिंक गाउन में वो बहुत सुंदर लग रही थी कि तभी राहुल की आवाज़ आई, करीना जल्दी करो, मेहमान आने शुरू हो गए हैं और तुम्हारा मेकअप ही नहीं पूरा हुआ। बस हो गया, कहकर करीना कमरे से बाहर आई। राहुल भैया आ गए, करीना ने पूछा। किसी दिन सूरज ना निकले ये तो हो सकता है, पर तुम्हारे बर्थडे हो और नितिन भैया ना आए ये नहीं हो सकता। आते ही होंगे, उन्होंने बताया था कि वो सपना को साथ लेकर आएंगे। मैं भैया को फ़ोन मिलाती हूँ। उसने फ़ोन मिलाया पर फ़ोन आउट ऑफ सर्विस जा रहा था। सारे मेहमान आ चुके थे पर करीना की निगाहें दरवाजे पर ही थी। नितिन भैया अब तक नहीं आए थे और ना ही उनका फ़ोन मिल रहा था। करीना, लगता है भैया किसी काम में फंस गए हैं, तुम केक काट लो, देर हो रही है, अब मेहमानों को और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवा सकते। तभी करीना का मोबाइल बजा तो उसकी आंखें चमक गई, पर वो चमक जल्दी कहीं खो गई क्योंकि वो कॉल नितिन का नहीं किसी अननोन नंबर से था। करीना ने कॉल उठाकर बोला, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आप नितिन सलूजा को जानती हैं? करीना ने कहा, हाँ क्या बात है सर, जल्दी बताइए। उसे मन ही मन घबराहट हो रही थी, नितिन भैया का फ़ोन काफ़ी देर से नहीं मिल रहा था। मैम एक बुरी खबर है, नितिन का शहर के बाहर वाली सड़क पर एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आ जाएं तो शायद आप अपने भाई से आखिरी बार मिल सकती हैं, नितिन की हालत बहुत ख़राब है। नहीं, करीना के हाथ से छूटकर वो आईफोन ज़मीन पर गिर गया और उसकी स्क्रीन चूर चूर हो गई। राहुल और करीना फौरन हॉस्पिटल पहुंचे, नितिन आईसीयू में था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, सर पर पट्टियां थी और पैर में भी फ्रैक्चर थे। करीना का तो रोना रुक ही नहीं पा रहा था। करीना ने नितिन के हाथ पर हाथ रखा, नितिन ने बहुत मुश्किल से आँख खोली, उसके होठ हिले और वो कुछ कहना चाहता था पर उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया और थोड़ी ही देर में आंखों ही आंखों से करीना को देखता रहा वो, मानो वो उसे कुछ बताना चाहता हो, पर बिना कुछ बोले ही नितिन इस दुनिया को छोड़कर चला गया। करीना की आंखों से आंसू बह जा रहे थे, वो जोर से चीखी, ये नहीं हो सकता भैया, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, पापा के जाने के बाद आपने तो मुझे संभाला था, मुझे माँ और पापा दोनों का प्यार दिया। करीना रोई जा रही थी, उठो भैया, भूल गए, आज मेरा बर्थडे है और तुमने मुझे तोहफा भी नहीं दिया, उठो भैया मुझे गिफ्ट चाहिए, प्लीज़ उठ जाओ, अभी तो सपना से आपकी शादी होनी थी। भैया पता है आपको, मैंने तो आपकी शादी में पहनने के लिए ड्रेस भी बनवा ली थी। करीना रोए जा रही थी और बोले जा रही थी। राहुल के साथ साथ वहाँ खड़ी नर्स और डॉक्टर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। तभी दरवाजे पर कॉल बेल बजी, करीना की यादों का क्रम टूट गया, उसने अपने आंसू पोंछे और दरवाज़ा खोला। राहुल ने करीना के हाथ में ब्रश देखा तो बहुत खुश हुआ, मैम ने पेंटिंग करनी शुरू कर दी है, हमें भी दिखाओ। करीना राहुल के साथ कैनवस के सामने आई तो वह हैरान रह गई कि उसकी पेंटिंग पूरी हो गई थी, जबकि उसने थोड़ी देर पहले ही ब्रश उठाया था। उसके सामने पेंटिंग में नितिन भैया के एक्सीडेंट का दृश्य था, जिस पर नितिन भैया का सर एक कार के पहिए के नीचे था। सड़क पर चारों ओर खून फैला हुआ था और वो दृश्य बहुत ही विभत्स था। करीना ने अपनी आंखें बंद कर ली पर राहुल बहुत ध्यान से उस पेंटिंग को देख रहा था। उसके चेहरे पर गहरी सोच और हैरानी के भाव थे, क्योंकि पेंटिंग में जिस कार से नितिन का एक्सीडेंट हुआ था उस कार की ड्राइविंग सीट पर सपना थी, सपना जो कि नितिन की मंगेतर थी और उसके साथ ही बैंक में काम करती थी। तुमने ऐसी पेंटिंग क्यों बनाई है? सपना और नितिन भैया तो शादी करने वाले थे, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, क्या तुम्हें सपना पर शक है? वो बेचारी तो नितिन की मौत के बाद खुद ही जिंदा लाश हो गई थी। राहुल ये पेंटिंग मैंने नहीं बनाई, इतनी जल्दी पेंटिंग बन ही नहीं सकती, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही कैनवस लगाया है। दोनों ही गहरी सोच में डूब गए और कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था।
तभी करीना को शीशे में काली परछाई दिखी जो कैनवस पर पेंट कर रही थी, और करीना की दोनों आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। वो उस काली परछाई को पहचान चुकी थी। जिस काली परछाई से वो डर रही थी वो अब तक उसके भैया ही थे, जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती थी। उसके भैया की आत्मा को अब तक मुक्ति नहीं मिली थी। वो शायद उसे कुछ बताना चाहते थे, पर क्या? सपना भैया का खून क्यों करेगी? कई सवाल एक साथ उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। तभी करीना की पेंटिंग पर नजर गई। नितिन के पास जमीन पर एक पेन ड्राइव चमक रही थी। तो क्या उस पेन ड्राइव में कुछ था जिसकी वजह से सपना ने अपने मंगेतर की ही हत्या कर दी, जिसे वो बहुत प्यार करते थे? दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। हम समझ रहे थे कि भैया का एक्सीडेंट हुआ है, पर उन्हें तो सपना ने मारा है। शायद अपने आखिरी समय में भैया मुझे यही बात बताना चाहते थे। काली परछाई करीना की तरफ पलटी तो उसकी आंखों में आंसू थे। अब इन आंखों को करीना ने साफ पहचान लिया। करीना के हाथ परछाई की तरफ बढ़े तो वो अपने भैया के कंधे पर सर रखकर रोना चाहती थी, पर उसका हाथ केवल कैनवस से टकराया, वो परछाई को छू नहीं पाई। करीना फूट फूट कर रोने लगी। अब राहुल को भी किसी तीसरे के कमरे में होने का एहसास हुआ, और करीना को देखकर उसकी भी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन राहुल और करीना सपना के घर गए, और सपना की आंखें सूजी हुई थी। शायद वो बहुत देर से रो रही थी, पर अब करीना को उससे कोई सहानुभूति नहीं हुई। करीना ने सीधा प्रश्न किया, सपना तुम तो भैया से बहुत प्यार करती थी, फिर तुमने उनका खून क्यों किया? उनके ऊपर गाड़ी चलाते हुए तुम्हारे हाथ जरा भी नहीं कांपे? करीना, जिनका एक्सीडेंट हुआ था सब जानते हैं, मैं उसे क्यों मारूंगी? सपना ने करीना से आंखें चुराते हुए कहा। झूठ मत बोलो सपना, मुझे भैया ने खुद बताया है, उनकी आत्मा अब भी भटक रही है, वो अभी इसी कमरे में है और हमारी बातें सुन रहे हैं। राहुल, मुझे लगता है करीना को डॉक्टर की ज़रूरत है, सपना ने गुस्से से कहा। ठीक है, तुम वो पेन ड्राइव दे दो जो भैया के पास थी, मैं खुद पता लगा लूँगी उस दिन क्या हुआ था। तुम्हें कैसे पता चला कि नितिन के पास कोई पेन ड्राइव थी? अब सपना टूट गई थी और धीरे से अब वो रोने लगी थी, और फिर सपना ने बताना शुरू किया कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। नितिन ने अपना मोबाइल कैमरा ऑन कर लिया और वो उसकी बात को रिकॉर्ड करने लगा। बैंक मैनेजर और मैंने बैंक से 1 करोड़ का घोटाला किया था। नितिन को ये बात पता चल गई थी, और मैंने उसे समझाया था कि ये मैंने हम दोनों के लिए ही किया है, ताकि शादी के बाद हम दोनों अच्छी ज़िंदगी जी सकें। बचपन में मैंने बहुत गरीबी देखी थी, और अब मैं जल्दी जल्दी अमीर होना चाहती थी। पर नितिन को ये सब गलत लगा था। उसने बैंक के कंप्यूटर से सारे सबूत एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लिए थे, और वो मुझ पर दबाव बनाने लगा कि वो पैसे मैं वापस कर दूं, नहीं तो पुलिस को कह देगा और वो पेन ड्राइव भी दे देगा। उस दिन नितिन और मुझ में बहुत बहस हुई। जब वो नहीं माना तो मैंने उसे रोकने के लिए उसे गाड़ी से हल्की टक्कर मारनी चाही। मैं उसे घायल करके पेन ड्राइव लेना चाहती थी, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। पर गाड़ी से कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से टक्कर लग गई और उसका सर पहिए के नीचे आ गया। मैंने देखा कि सड़क सुनसान थी, इसीलिए मैंने उतरकर वो पेन ड्राइव वहाँ से उठा ली, और किसी ने भी एक्सीडेंट होते हुए भी नहीं देखा था, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गई। पर नितिन के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि नितिन के बिना ये पैसा किसी भी काम का नहीं है। ये कहकर सपना टूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने अपनी आंखें खोलकर छत की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम यहीं हो और मुझे सुन रहे हो तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अब भी तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती। ये कहकर उसने अपनी जींस से एक रिवॉल्वर निकाली, और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने उस रिवॉल्वर को अपनी कनपट्टी पर लगाया और खुद को गोली मार दी, और कमरे में खून ही खून फैल गया। करीना ने देखा सपना के शरीर में से एक धुआं सा निकला और काली परछाई से लिपट गया, और दोनों काली परछाइयाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोशनदान से कहीं बाहर निकल गई। शायद नितिन ने सपना को माफ़ कर दिया था और उसका पश्चाताप स्वीकार कर लिया था,
और तभी उसे मुक्ति भी मिल गई थी। राहुल जो कि सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था उसकी आंखों में आंसू थे और करीना वो तो पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। राहुल ने करीना को आवाज़ दी और जवाब ना मिलने पर वो उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। रेखा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, तुम पता है ना हमें 9 बजे घर से निकलना है, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी और उसके बाद कोई ट्रेन नहीं है और मुझे कल हर हाल में ऑफिस ज्वाइन करना है। अरे राकेश मैं तैयार हूँ, आप सामान बाहर निकाल के रखो। राकेश घर से स्टेशन के लिए निकले। राकेश का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हुआ था, उसने अपने दोस्त की मदद से वहाँ पर किराए का घर पहले ही ले लिया था, बस उसे वहाँ शिफ्ट होना था। एक रात का सफ़र करके वो दोनों शहर पहुँचे और उस घर में जा पहुँचे जहाँ उन्हें रहना था। राकेश जल्दी से तैयार होकर सीधे ऑफिस के लिए निकल गया और रेखा घर की सफाई में लग गई। शाम तक सारा काम खत्म करके वो राकेश का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि राकेश ने कहा था कि डिनर मत बनाना, हम लोग बाहर ही खाएंगे। थोड़ी देर के बाद राकेश आया और दोनों बाहर खाना खाने के लिए चले गए। रात में वापस आए तो दोनों ही इतना थक गए थे कि आकर ही सो गए। रात तकरीबन 3 बजे रेखा की आंख खुली तो उसे लगा कि उसके सिर के पास कोई बैठा है और उसे घूर रहा है। वो बहुत डर गई और उसने चादर को सिर से पांव तक ओढ़ लिया और लेटी रही। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो सो गई और सुबह भी हो गई। वो सुबह उठी और रात वाली घटना के बारे में सोचने लगी। उसने सोचा कि राकेश को बताए, लेकिन फिर ये सोचकर चुप हो गई कि शायद ये उसका वहम हो। उसने जल्दी से नाश्ता तैयार किया और राकेश को उठाया। राकेश भी तैयार होकर सीधा ऑफिस के लिए निकल गया और रेखा घर के कामों में व्यस्त हो गई। सारा काम करके वो बालकनी में कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ ही रही थी कि उसने सामने वाले घर में देखा एक औरत उसे ही घूरे जा रही थी। रेखा को उसका घूरना अजीब लगा और वो अंदर अपने कमरे में आ गई। उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लूँ, और जब वो लेटी तो थोड़ी ही देर में उसकी आँख लग गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है। वो एकदम से उठी और डर के कारण इधर उधर देखने लगी। वो बहुत डर गई और बालकनी में आकर बैठ गई। उसने देखा वो औरत जो उसे घूर रही थी अभी तक वहीं खड़ी है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि राकेश से इस बारे में बात करूंगी। रात में राकेश को उसने सब बात बताई जो उसके साथ इन 2 दिनों में हुई थी। उसका कहना था कि ये सब बस तुम्हारा वहम है, नई जगह पर आए हैं इसीलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ दिन बीतने दो, तुम्हें यहाँ पर अच्छा लगेगा। रेखा ने सोचा राकेश सही कह रहा है और ये सब उसका वहम है। पर अगले दिन फिर से वही सब हुआ। रेखा ने सोचा कि शायद कोई सपना हो और सो गई। अगले आज फिर उसकी नींद खुली और 3 ही बज रहे थे। उसने देखा कि कोई औरत जिसके बाल खुले थे उसके सिर के पास बैठी थी और 2 बच्चियाँ दरवाजे के पास बैठी खेल रही थी। वो औरत जो उसके पास बैठी हुई थी वो पहले तो ठीक लग रही थी, पर धीरे धीरे वो भयानक होती जा रही थी और उसका पूरा शरीर जल रहा था। रेखा बहुत डर रही थी और राकेश को जगाने के लिए वो आवाज़ लगा रही थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ निकल ही नहीं पा रही थी। कुछ समय बाद वो औरत वहाँ से चली गई और उसकी 2 बच्चियाँ गायब हो गई। उसने राकेश को जगाया और पूरी बात बताई तो राकेश को भी लगने लगा था कि शायद वो जो कह रही है इस बात में कुछ तो सच्चाई है। अगले दिन राकेश की छुट्टी थी और वो घर पर ही था। रेखा किचन में काम कर रही थी कि अचानक उसने राकेश की आवाज़ सुनी और उसे लगा कि शायद वो फ़ोन पे बात कर रहा है, लेकिन उसका फ़ोन तो यहाँ था, फिर वो बात किससे कर रहा था। ये सोचकर वो राकेश के कमरे की तरफ जाने लगी। वहाँ उसने देखा कि राकेश खुद से ही बातें करे जा रहा था। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसा बोलकर वो जोर जोर से हंस रहा था। तुमको तो पता है, तुमको तो मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। राकेश का मुंह भयानक लग रहा था, जैसे किसी ने जला दिया हो। ये सब देखकर रेखा की चीख निकल गई और राकेश ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। तभी रेखा ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और बाहर मदद के लिए भागी। उसे आसपास कोई दिख भी नहीं रहा था। वो दौड़कर उसी घर में गई जहाँ उसने उस औरत को देखा था जो उसे घूर रही थी। उसने उस औरत को शुरू से लेकर अब तक की सारी बात बताई और राकेश के साथ जो हुआ वो भी बताने लगी। उस औरत ने कहा कि तुम लोग गलत घर में आ गए हो, यहाँ कोई भी नहीं आता है
और जो यहाँ आता है वो जिंदा नहीं रह पाता। रेखा ने पूछा, आखिर क्या है ऐसा इस घर में, मुझे बताओ। तो उस औरत ने कहा कि आज से तकरीबन 10 साल पहले यहाँ पर आरती नाम की औरत रहती थी अपनी 2 बच्चियों और पति के साथ। सभी लोग बहुत खुश थे। एक दिन आरती की बड़ी बेटी की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने उसे हॉस्पिटल में दिखाया, जहाँ पता चला कि उसकी बेटी को ब्लड कैंसर है। उसने अपनी बेटी के इलाज के लिए सब कुछ बेच दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाई, बस घर ही रह गया था उसके पास। बेटी के जाने के गम में उसके पति ने शराब पीनी शुरू कर दी और रोज घर आकर वो मारपीट करने लगा। एक दिन उसके पति ने उसके घर के कागज मांगे और आरती ने उन्हें देने से इनकार कर दिया, तो उसने उसको बहुत मारा और आखिर में उसे और बेटी दोनों को जिंदा जला दिया और वहां से कहीं गायब हो गया। तब से आरती और उसकी बेटी की आत्मा इसी घर में रहती है और जो कोई यहाँ आता है उसे परेशान करती हैं, जान से मार डालती हैं। रेखा ने कहा, मेरे पति को प्लीज बचा दीजिए, कोई तो रास्ता होगा। तो उस औरत ने कहा कि मेरे साथ चलो, एक रास्ता है। वो रेखा को लेकर पंडित जी के पास गई और सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि आज ही अमावस्या है और आज ही मैं उस घर में हवन करूंगा, तुम जाकर 8 नींबू ले आओ और 2-2 नींबू चारों दिशाओं में रख देना। रेखा ने ऐसा ही किया। रात में पंडित जी आए और उन्होंने हवन शुरू कर दिया। एकदम से घर में काफी ज्यादा शोर मचने लगा, इतना शोर कि मानो कान के फर्दे ही फट जाएं। लेकिन तब भी पंडित जी ने हवन जारी रखा और आरती की आत्मा को बुलाया। पंडित जी ने कहा कि इन दोनों को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। तो आरती ने कहा कि ये घर मेरा है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, और इस घर में जो कोई भी आएगा उसे जिंदा नहीं रहने दूंगी। पंडित जी ने कहा कि तुम सीधे रास्ते से छोड़ दो। उसने कहा नहीं, और राकेश को जमीन पर पटक दिया और वो बेहोश हो गया। फिर वो रेखा की तरफ मुड़ी, तभी पंडित जी ने उस पर और उसकी बेटे पर भस्म फेंक दी, जिससे वो तीनों ही चीखने लगी और ऊपर आकाश में चली गई। पंडित जी ने कहा कि अब डरने की बात नहीं है। और थोड़ी देर बाद राकेश को भी होश आ गया और उसने रेखा को गले लगा लिया, और दूसरे ही दिन उन दोनों ने वो घर छोड़ दिया और उसके बाद एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। स्टोरीज आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो पर एम करते हैं 250 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना पूरा कर सकते हो। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।